हेलो। हेलो। अरे सर, आपकी बात पूछनी है। सर, हाँ बताइए। हाँ आपकी दवाई खाते हो? मतलब आपकी दवाई छोड़े हुए, मतलब दो ढाई महीने ज्यादा टाइम हो गया है हमें। तो पहले सर, मतलब मेरी दिक्कत ये थी कि हम अगर किसी लड़की से फोन पे बात करते थे तो सिर्फ वही निकल आता था और नेट कॉल प्रॉब्लम थी। लेकिन अभी तो सर ऐसा कुछ नहीं है, हम बात करते हैं 1.5 घंटे 2 घंटे, किसी को दिक्कत नहीं होती है। तो नेट कॉल को दिक्कत होती है, लेकिन मतलब अगर सर थोड़ा रोमांटिक बात करते हैं, जब मतलब थोड़ी सेक्स वगैरह वाली बातें करते हैं, तब थोड़ा बहुत तो दिक्कत हो जाती है। हाँ हाँ, तो जिसको कोई समस्या नहीं रहती उसको भी हो जाएगी भाई, जो बस दिल में ज्यादा वो जाएंगे। तो सर, ऐसी बातें करेंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। तो मतलब सर, हमें ये मतलब आपने अंडे वगैरह खाने को मना किया था, तो अब अंडे वगैरह खा सकते हैं हम? अरे भाई, सब बेकार चीजें होती है। ठीक है, जी आपको खाना खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी चीज नहीं होती है ना। ये देखिए, मांस मछली अंडे अल्कोहल, ये सब चर्म को, धात को कम करता है, पतला करता है, नपुंसक बनाता है। और इसको सर, छोड़कर आप कोई भी चीज खाएंगे तो आपके लिए नुकसान नहीं करेगा। मतलब मोमो, जागरूक बर्गर, पिज्जा, ये सब नुकसानदायक है। ठीक है, नपुंसकता बना देता है। मतलब सर, जैसे कि जिम जाते हैं तो उसी तभी, मतलब खाली अंडे खाने हैं, मतलब तभी मतलब अंडे के लिए पूछ रहा है आपसे। आप जैसी भाई, आपकी मर्जी है, हमको कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं है। सर, पहले तो मतलब बिल्कुल सूख गए थे, मतलब वजन भी बहुत कम हो गया था, लेकिन अब जिम वगैरह जा रहे हैं तो मतलब हो गए 4-5 महीने जिम जाते हुए, तब तो वजन ही बढ़ गया। एक मेरा वजन था पहले 51 किलो, अभी 61 किलो वजन हो गया मेरा। डाइट चलिए ठीक है, कोई वाइट बात नहीं। तो मतलब ज्यादा ना है, मतलब एक दो खा सकते हैं अंडे साल में। हाँ, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ ठीक।